बिहार के बेतिया से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार बोलेरो ने कोचिंग जा रही 7 छात्राओं को रौंद दिया है। हादसे में सभी छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। हादसे का सीसीटीवी फुटेज इस वक्त जो सामने आया है वो आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें आपको परेशान कर सकती हैं, किस तरीके से यहाँ एक बोलेरो तेज रफ्तार से आती हुई और कोचिंग जा रही 7 छात्राओं को रौंदते हुए आगे चली जाती है। सभी छात्राएं जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं, गंभीर रूप से जख्मी हुई हैं इस हादसे में। आप तस्वीरें देखिए, तेज रफ्तार से आती हुई बोलेरो और साइकिल पर आगे जाती हुई जो कोचिंग जा रही थी छात्राएं, 7 छात्राएं जिन्हें रौंदती हुई, रफ्तार इतनी तेज थी कि वो छात्राएं कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो उन्हें टक्कर मारती हुई वहां से आगे निकल जाती। सभी को गंभीर चोटें आई हैं, सभी छात्राओं को अस्पताल में एडमिट कराया गया है और पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में हादसे का ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया है जिस वक्त आप देख रहे हैं। बिहार के बेतिया का मामला, साइकिल पर आगे जाते हुए स्टूडेंट्स को आप देख रहे हैं जो कोचिंग जा रही थी और पीछे से आती हुई तेज रफ्तार बोलेरो जो कितनी रफ्तार से आ रही है और सीधा इन्हें टक्कर मारते हुए, रौंदते हुए आगे निकल जाती है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने, बिहार के बेतिया में बोलेरो सवार कितनी तेज रफ्तार से आता हुआ दिख रहा है और सभी 7 छात्राओं को रौंदता हुआ आगे बढ़ जाता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।